साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। सुदामाने वो धीरे चदरिया सुदामाने ओढ़ी नैयर छोटोरी जा ओ नैयर छोटोरी जा ओ नैयर जहां से आए भाई सुदामा ने वो धीरे ध्रुव प्रहला फिर सुदामा में ओढ़ी शुकु देव ने निधि मलकीनी सुखदेव ने तेरे मल की दासी कबीर ने ऐसी ओढ़ी दासी कबीर ने ऐसी ओढ़ी जू की जू धरी दीनी चदरिया झीनी रे झीनी हे राम नाम सुभीर चदरिया झीनी रे झीनी हे राम नाम सुभीर चदरिया झीनी रे हाँ झीनी रे झीनी रे वायुष प्राण च मुखाग्निजात श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला सभी ज्योति जगानी ज्योति जगाने वाला हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती फिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी दुख करणी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल भगवंत बोल सन मार्ग दिखाने वाला
बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत को धन्यवाद बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारो तथावतं तम हृदय अरविंद मम भवानी सतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता परेशौ वातासदमो वानर्योदको श्रीरामदूतं शरणं हरि राम हरि राम रम राम हरि हरे हरि हरे हरे हरि राम हरि राम रम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम रम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम रम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे हरि ओम जगदनमय दंतदेव तानि धर्माणि प्रथमन्या सन्नतेहना सम्महिमानः सचन्द्रत पूर्वे सात्याः शांतिदेवाः सेवन्ति कावकुलचं पगपाटलब्जे पुन्नाकजातकरवीरशालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसूत नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय बालाजी सेवा धाम की जय लंबे वाले हनुमान की जय मेरे छोटे वाले हनुमान की जय सभी भागवत प्रेमियों से अनुरोध है सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं सभी लोग यथा स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें आज ये कथा का अष्टम दिवस मध्यान्हकालीन सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन और व
जी को एकाग्र करते हुए प्रभु के चरण में लगाते हुए आज इस अष्टम दिवस की कथा का श्रवण करें। बालाजी सेवा धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान आप सभी के बीच में दिव्य रश्मि भागवती गंगा में यहाँ पर गोता लगवा रहे हैं। जो भी भक्तगण मेरी आवाज़ को सुन रहे हो सभी लोग कथा पांडाल में आकर के विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तू कबहू ने राम कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू ने राम। बरसे का भोला भाला पाँच बरस का भोला भाला पाँच बरस का भोला भाला पाँच बरस का भोला भाला अब क्यों बीस भयो अब क्यों बीस भयो मकर पचीसी काया तेरी मकर पचीसी माया तेरी देश विदेश गयो रे तूने कबहुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहुन तेरा बाता ही बीत गयो रे तू कबहू ने राम कहो। बातों ने बीत गयो रे तू कबहून 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 श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरण कमले भ्यो श्री भवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरहं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोता वन्दे सुते शरणार्विंद।
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अधीव मैं बिसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कभवात पिते अंठावरो संविधो स्मरण कुपस्ते वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्र गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै व्याप्तव्येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै हरे राम हरे राम श्री राम राम हरे श्री राम राम हरे हरे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की धरती माता की जय अखंड दरबार की जय नमः पार्वती पतये हर हर परम कृपालु परब्रह्म परमात्मा श्री नंद नंदन भक्त अरुचंदन
गोपति गोपीपति गोलोकपति श्री वृंदावन बिहारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु प्रेमियों श्रीमद् भागवत सप्ताह सत्र कथा ज्ञान महायज्ञ के आध्यात्मिक अनुष्ठान की षष्ठम वेला आरंभ करने जा रहे हैं। प्रभु की कथा आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे मुरारी हरे हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण बोल हरि बोल मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सभी लोग आइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल हरे मुरारी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे मुरारे हे नाथ नारा हेण वासुदेव श्री कृष्ण बोल हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारा गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारा येण वासुदेवा हे नाथ नारा येण वासुदेवा हे नाथ नारा येण वासुदेवा वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्ये सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी वार्ता सुंदरे किम सुंदर कल 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 करती हुई गंगा नदी बह रही है श्री गंगा महारानी के किनारे सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कृष्ण कथा में गोता लगा रहे हैं। आप लोगों ने अभी देखा शाही स्नान में कैसे गंगा चल रही थी, कितना आनंद ले रहे थे हम लोग। प्रभु की कृपा मौनी अमावस्या, अमावस्या तो अपने आप में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसमें ही फिर सोमवती अमावस्या मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहलाती है। तो मौनी अमावस्या के पावन पर्व के ऊपर हम लोगों ने शाही स्नान किया संतों के संग, अपने आप को कितना कृतार्थ समझते हैं। आपका हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, जीवन रसार्थ हो गया, जीवन धन्य हो गया। ये माटी तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है लेकिन इस माटी पे संतों का कुंभ लगा हो तो कहना क्या है। सज्जनों, मेरे से कोई प्रश्न कर रहा था, एक महात्मा जी, कल मैं कथा बोल के गया था, शायद आज आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता। प्रश्न किया, बोले महाराज जी कथा बड़ी सुंदर लग रही है लेकिन कोई पाप से बचने का तरीका है क्या? पाप बहुत ज्यादा हो रहा है, पाप से कैसे बचेंगे? मैंने कहा पाप मत करो, आप बच जाओगे। बोले महाराज हम तो अनजान में पाप होते जा रहे हैं, हमसे तो हम अनजान में पाप करते जा रहे हैं, उससे कैसे पाप से बचेंगे? प्रश्न बहुत अच्छा था महात्मा जी का। तो महात्मा जी से कहूंगा भाई पाप से बचना तो हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है पंच महायज्ञ करो। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ कौन सा है? गृहस्थ के लिए पहला यज्ञ यह है कि जब भोजन बनाओ, तुम लोग जब भोजन बनाते हो
तो भोजन बनाते समय पहली पहली एक रोटी गाय माता के लिए निकालो, एक रोटी कुत्ते के लिए निकालो, एक रोटी में से थोड़ा सा घी शक्कर लगा के अग्नि में स्वाहा करो। आजकल की बहनें तो करती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब छोटा था तो मेरी माँ जब भोजन बनाती थी तो मैं सामने बैठा तो देखता था कि मैया रोटी तवे से उतारते उतारते घी में लगा के दे चूल्हे के अंदर। ये अग्नि, अग्नि में भोजन, पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी एक कुत्ते के लिए निकाला, फिर अग्नि को भोजन, जहां चींटियां रहती है, चींटियां समझते हो, कीड़ी नगरा बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग, चींटियां जहां रहती है, चींटियां जहां वास करती है वहां थोड़ा अन्न डालो, जलाशय के अंदर जहां मछलियां होती है मछलियों को अन्न डालो, अतिथि का आयुवे का सत्कार करो। आपके घर में कोई भूखा आया है उसको हाथ से उत्तर देना है। आपके पास में एक रोटी है तो आधी उसको देनी है। ये पंच महायज्ञ है। जो व्यक्ति पंच महायज्ञ करता है पापों से छुटकारा पा लेता है। मुझे लगता है आप तो ये सब करते ही हो, ये सब करते होंगे, और ये करने के बाद भी प्रयागराज में आए हो तो मुझे लगता है जितना पाप किया होगा आपने आज से पहले पहले, आज से जितने पहले जो पाप किया हो, बड़े से बड़ा पाप, छोटे से छोटा पाप, पूरा का पूरा पाप भस्मी ढेर हो गया। आपने जैसे गंगा में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही सारा पाप भस्म। लेकिन संकल्प यह है, पीछे के पाप किए हुए भस्म हुए, लेकिन अब संकल्प लेना है आगे से पाप नहीं करना है। आप सोचोगे पाप तो पूरे हम डूबो के आ गए हैं, खत्म हो गए हमारे सब के सब पाप, लेकिन संकल्प ये लेके जाना है प्रयागराज से आगे हम पाप नहीं करेंगे, आगे के लिए पाप। और सबसे बड़ा प्राश्चित एक और है, आपसे निवेदन करो, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण। सबसे बड़ा प्राश्चित एक और है, भगवान का नाम, प्रभु के नाम लेने से पूरी पाप भस्म होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।